स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रेशियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, सिलेक्ट द रेशियल नंबर फ्रॉम द लिस्ट विच आर ऑल्सो इंटीजर। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत सारे रेशियल नंबर दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करना मीन्स बोले तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से इसको कट कर देना है। ठीक है ना, और उसके बाद इसको सिंपली आपको सिलेक्ट करके बताना है कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बच्चों देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू। सिमिलरली 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन टू। ठीक है ना, तो ये सब इंटीजर्स हैं। अब इनको सॉल्व करिए, जो जो ऐसे आ जा रहे हो, मतलब इंटीजर आ जा रहे हैं, उनको सेलेक्ट करके हमें लिखना है। अब देखो 9/4, क्या ये कैंसिल होगा किसी नंबर से? नहीं भाई, 4 जैसे 2 से कैंसिल होगा बट 9 नहीं होगा। ठीक है ना, 9 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, तो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। इसको चेक करो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 1 4 होता है और 4 2 8, और 2 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 8/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। 2/1 का मतलब एक बात और याद रखिएगा, किसी भी इंटीजर के नीचे अगर 1 लिखा है, 2/1 वापस से 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है तो वापस वही नंबर आ जाता है, याद रखिएगा। जैसे -4/1 लिखा है तो -4 आ जाएगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर सेलेक्ट हुआ हमारा क्या? 8/4, ये आंसर कर रहे हैं हम। 8/4 क्या है? 8/4 क्या है आपका? इंटीजर है। ठीक, क्योंकि 2 आ गया है। अब देखो 7/4, 4 2 से कैंसिल होगा बट 7 नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे। 6/4, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 3 और 2 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6/4 का 3/2 आ जाएगा। ठीक है, सो 6/4 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। ओके, मैं कहीं पे यहाँ पे करके दिखा दूँ। 6/4 देखो, 2 2 और 2 3 6, 3/2 आ गया, विच इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, 6/4 को सॉल्व करके 3/2 आएगा, ये आपको कॉपी में दिखाना पड़ेगा। नाउ 9/3 को देखो। ठीक, 9/3 एक इंटीजर आ जाएगा, कैसे? 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 3/1, और 3 को 1 से डिवाइड करोगे वापस कितना आ जाएगा आपके पास? 3। ठीक, यानी कि जो 9/3 है वो भी क्या है? इंटीजर है। ठीक, उसके बाद 8/3 नहीं कैंसिल होगा, चेक कर लो, क्योंकि 8 कैंसिल होगा किससे? 2 से 4 से, बट 3 नहीं होगा, 3 3 से होगा बट 8 3 से नहीं होगा, छोड़ देंगे। ठीक है ना, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब दो नंबर्स के आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो ये दोनों जब किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं एक ही साथ, ठीक, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो 9 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक, ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे, जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया। नाउ 6/3 को देखो जरा, 6/3 को अगर आप देखोगे, ठीक, यहाँ पे देखिए 6/3 क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया? 2/1, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये 9/3 को ऐसे दिखा दो। ठीक, उसके बाद 6/3 आपका इंटीजर है, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है? 2/1, यानी कि कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 एक इंटीजर है, हमें पता है। ठीक, उसके बाद आता है 5/2, अब ये को प्राइम है, 5/2 को प्राइम है, किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, 4/2 कितना हो जाएगा? 4/2, देखिए 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 2/1, और 2/1 वापस से 2 आ जाएगा, यानी कि 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 3/1 को हम सीधे 3 लिख सकते हैं, 3/1 को हम सीधे 3 लिख सकते हैं, तो ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक, 3/2 अब सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये 3 और 2 आपस में को प्राइम है। 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 है, तो 1/1 क्या होता है? 1, तो 1/1 भी क्या है? इंटीजर है, क्योंकि 1 आ रहा है। ठीक, इसके बाद 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमेशा याद रखिएगा, 0 upon something क्या होता है? 0। ठीक, 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा 0 आएगा, तो ये क्या हो गया? 0, तो ये भी एक इंटीजर है। उसके बाद -1/1, तो -1/1 -1 होता है। मैंने आपको बताया था जो भी इंटीजर उसके नीचे 1 होगा तो वापस वही इंटीजर आ जाएगा, -1/1 -1। ठीक, तो -1/1 भी क्या है? इंटीजर है। उसके बाद -2/1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये भी इंटीजर है। उसके बाद -3/2, तो 3 और 2 को प्राइम है, नहीं सॉल्व करेंगे। इसके बाद -4/2 कितना हो जाएगा, चेक कर लो,
माइनस फोर बाई टू, देखिए टू वन जै टू, टू टू जै फोर, तो कितना आ गया माइनस, भूल मत जाना, माइनस टू अपॉन में वन, यानी कि कितना आ गया माइनस टू, क्योंकि माइनस टू अपॉन वन माइनस टू हो जाएगा, ठीक। यानी कि नेक्स्ट जो है आपका माइनस फोर बाई टू भी क्या है, इंटीजर है, तो माइनस फोर बाई टू भी सॉल्व करने पे कितना आ रहा है माइनस टू, जो कि एक इंटीजर है। उसके बाद माइनस फाइव बाई टू, ठीक, ये नहीं सॉल्व होगा। उसके बाद क्योंकि 5 और 2 को प्राइम है ना भाई, 2 2 से कैंसिल होगा तो 5 नहीं होगा, 5 5 से होगा तो 2 से नहीं होगा। 6 बाई टू माइनस सिक्स बाई टू, सो माइनस सिक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टू वन जा टू, टू थ्री जा, सो माइनस माइनस लगेगा माइनस थ्री बाई वन, और माइनस थ्री बाई वन कितना होगा माइनस थ्री, यानी कि माइनस सिक्स बाई टू भी क्या है इंटीजर है, ओके। सो माइनस सिक्स बाई टू भी क्या है इंटीजर है, क्योंकि कितना आ रहा है माइनस थ्री आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नीचे जितने भी हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है इंटीजर हैं। एट बाई फोर इंटीजर है, नाइन बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री, फोर बाई टू, थ्री बाई वन, वन बाई वन, जीरो बाई वन, माइनस वन बाई वन, माइनस टू बाई वन, माइनस फोर बाई टू, माइनस सिक्स बाई टू, ये इंटीजर है, बस यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, ओके नोट कर लीजिए।